नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले का एसडीएम ने किया भंडाफोड़। ठगी करने वाले गिरोह से पूछताछ जारी। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत की है। एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि ठगी होने वाला पीड़िता ने मेरे पास लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी। तत्पश्चात मेरे एवं एसपी मनोज कुमार के द्वारा जाँच पड़ताल की गयी तो पता चला कि नौकरी के नाम पर जनता से अवैध तरीके से रुपए की वसूली की जा रही है। बाद छापेमारी की गयी तो पता चला कि डपरख पंचायत स्थित योगेश निकेतन कोचिंग संस्थानों की आड़ में राहुल कुमार नाम का व्यक्ति जो गोनहा पंचायत का रहने वाला है कोचिंग स्थान भी चलाते हैं, साथ ही नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के साथ मिलकर काम करते हैं। वहीं एसडीएम ने यह भी बताया कि नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला राहुल कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिससे नौकरी के नाम पर जनता से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो सके। साथ ही यह भी बताया कि राहुल कुमार के मोबाइल से पता चला कि ठगी करने वाले गिरोह में शामिल दीपक यादव के नाम से बैंक खाते में लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन पेटीएम के द्वारा किया गया है। वहीं यह भी बताया नौकरी के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से 35,000 रुपए लिए जाते हैं। राहुल कुमार की जानकारी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से 10,000 रुपए मोबाइल पर ट्रेनिंग के नाम पर लिया जाता है, बाद में 25,000 रुपए ज्वाइनिंग लेटर के नाम पर लिया जाता है। कुल प्रत्येक व्यक्ति से 35,000 रुपए लिए जाते हैं, जो कि अवैध है। वही ठगी का शिकार पीड़िता ने बताया कि राहुल कुमार के द्वारा मुझसे नौकरी के नाम पर ट्रेनिंग पीरियड का 10,000 रुपए किसी दीपक यादव के नाम से खाते में जमा करवाकर रसीद लिया गया था। अब देखना लाजमी होगा कि नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला सरगना कब तक पकड़ में आती है या ऐसे ही जनता का शोषण होता रहेगा। एसजेड हसन, एसडीएम त्रिवेणीगंज, पीड़िता ठगी का शिकार।